हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लाइव स्ट्रीम। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों ने भी दिया, मैंने भी दिया, तो करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान था भाई। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, फर्स्ट यहीं पे देख लेते हैं, लैपटॉप में तो खुला हुआ ही है। ये लो, जूम कर दिया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज पोर्सिया से डेट सी एंड एरिसा विल विल स्टे अंटिल देयर हस्बैंड रिटर्न। वो लोग का हस्बैंड जब तक आता नहीं है तो वो कहाँ रहेंगी। से है, पोर्सिया से, उसने क्या बोला, यानी कि कहाँ सच में जा रही थी, उसने क्या बोला। बोल के तो ये गई थी कि मोनेस्ट्री जा रही है, पूजा करेगी हस्बैंड का, ठीक है, कि जल्दी से हो जाए, एंटोनियो खुल जाए वहाँ से, मतलब फ्री हो जाए। ठीक है, तो मोनेस्ट्री होगा, पादुआ में तो रियल में जाती है, पर क्या बोलती है कि मोनेस्ट्री में जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा डी। क्या हुआ, व्हाट एक्सेप्ट ऑफ साइलोक नेचर इज रिवील्ड इन हिज वर्ड टू पेट फेस विथ ऑल इट विल फीड नथिंग एल्स। बोल रहा है कि अगर एंटोनियो का फ्लैश से कोई पूछा था ना उससे क्या करोगे, तो ये बोला था उससे हम फिश को बेट करेंगे। तो ऐसा क्यों बोला, मतलब रिवेंज यहाँ पे लिखा है, तो हमको वेंजफुलनेस लगा कर दिया है, वही होगा आंसर, वेंजफुलनेस इसका। जो लोग वेंजफुलनेस किए भाई, ग्रेट। और उसके बाद आता है ग्रेसियनो एक्सप्लेन्स। क्या वो बाहर जाओ ना, गेट लगा दो। ग्रेसियनो एक्सप्लेन्स, वी आर द जेसन्स, वी हैव वन द फ्लिस। इन दिस कंटेक्स्ट द वर्ड फ्लिस रेफर्स टू। पता नहीं, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ चैट में, फ्लिस। सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड किंगशिप। बट देखो, मैंने तो किया था ये पोर्सिया एंड नेरिसा का। पोर्सिया इज रेफर टू एस गोल्डन फ्लिस, तो यहाँ पे हो सकता है पोर्सिया नेरिसा का बात कर रहा हो, तो पोर्सिया एंड नेरिसा होगा हमको लगता है। तुम लोग चैट क्यों नहीं कर रहे, चैट तो खाली है। ओके, सो आफ्टर डेट देयर इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। साथ में चैट जीपीटी में भी से भी आंसर निकाल लिया था, वो भी खोल लेता हूँ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, हु सेड दिस टू होम, कौन इसे कहता है, किसको ये कहा था, पोर्सिया ने साइलोक को। सी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ भी चैट जीपीटी भी दिखा देता हूँ तुम लोग को, द क्वालिटी। ओके, आ गया, पोर्सिया टू साइलोक है, ठीक है। और यह चैट जीपीटी कुछ गलत भी बता रहा है, इस पे मत जाना, ठीक है। व्हाट डज पोर्सिया आस्क ऑफ एंटोनियो एज ए रिमेम्बरेंस बिफोर सी लीव्स द कोर्ट रूम। पोर्सिया क्या मांगती है एंटोनियो से, बसानियो से तो ये मांगती है, रिंग मांगती है, ठीक है, पर एंटोनियो से उसका ग्लव्स भी मांगती है, ठीक है। तो एंटोनियो लिखा हुआ है, तो उससे ग्लव्स मांगती है, तो ग्लव्स हो जाएगा, ठीक है। जिसने रिंग कर दिया उसका गलत हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद है, देखो यहाँ चैट जीपीटी भी गलत कर दिया है। वैन लोरेंजो सेस, क्या सेस, वैन लोरेंजो सेस फेयर लेडी यू ड्रॉप मन्ना इन द वे ऑफ स्टाउट पीपल, ही मीन्स द पोर्सिया नरिसा हैव, मैंने क्या किया था, ब्रॉड गुड न्यूज़ फॉर लोरेंजो एंड एंटोनियो। शायद यही होगा, जैसे तुम लोग बताना चैट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैगी, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। सी वाज सेंट टू पुअर हाउस, सी वाज सेंट टू पुअर हाउस, पुअर हाउस में सेंड हुई थी, सेंड तो हुई थी भाई। देखो, सी सफर्ड अ फॉल, ये तो था, सी हैड इंजर्ड स्पाइन, ये भी था, सी वाज बेड रिडन, ये भी था। पुअर हाउस गई थी कि नहीं गई थी, एग्जाम में तो हम यही करके आए हैं ए, कि सी वाज सेंट टू पुअर हाउस, पुअर हाउस गई थी, लेकिन उससे उसका वो जो थॉम्सन उठा लिया वहाँ से। भाई एम सी क्यू क्वेश्चन 16 का आंसर, वेट एक सेकेंड, तुम लोग बताओ ना हमको कि इसका कौन सा होगा, बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, इसमें हमको सारा करेक्ट लग रहा है, इसका बताओ कौन सा होगा ये 7 का। उसके बाद आते हैं द शॉर्ट स्टोरी द लिटिल मैजिक गर्ल कैन बी कॉल्ड अ फेयर फेरी टेल। इसको फेरी टेल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें मैजिक और फैंटासी है,
फेयरी लैंड कोई मतलब नहीं बनता, फेयरी गॉड बंदर कोई मतलब नहीं बनता, गर्ल मैरिज अ प्रिंस, कहाँ मैरिज की, कब शादी हो गया भाई? तो बी हो गया, बी होगा इसका आंसर। और हम लोगों ने क्लास टीचर से भी, मतलब सब्जेक्ट टीचर से पूछा था, राज सर से, तो उन्होंने भी बी ही बताया, बी ने बी किया था मैंने। और यहाँ पे 9 आ जाता है, वाई डिड गुज्जर वुमेन स्ट्राइक द बिग ब्रास घड़ास, अपना घड़ा को स्टिक से ऐसे ऐसे क्यों करती थी? क्योंकि उससे पता लग जाए कि घड़ा भर चुका है कि नहीं, कौन सा खाली घड़ा है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, टू सी विच वन वेयर एम्प्टी, यहाँ पे ड्रॉ भी है ना, तो चलो ड्रॉ कर देते हैं, सी हो जाएगा। उसके बाद है चूज द ऑप्शन डेट लिस्ट द सीक्वेंस, सीक्वेंस बताना इवेंट का। तो मैंने किया था डी का, 2 1 4 3, क्योंकि 2 में द चिल्ड्रन कैरीड प्लीडिंग एंड प्रोटेस्टिंग मार्गरेट टू द क्लोजेट, मार्गरेट जो है प्लीड कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको क्लोजेट में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द रेन स्टॉप द रस्ट, बारिश रुका और फिर जब सन आने वाला था तब सब लोग रश करके गया, तो 2 1 फिर 4, ऑल द टू सून द ब्रीफ समर एंडेड, वो जो सन था वो चला गया और हरी इंडोर्स टू एस्केप द, हाँ रेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद 3 है, इट वॉज देन, फिर वो रियलाइज किया। तो हमको तो लग रहा है इसका डी होगा, तुम लोग बताओ क्या लिख के आए। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बताया तो भाई, 6 का बताया तो, 6 का ये वाला ना, ये वाला मुझे लग रहा है ये प्राउड गुड न्यूज फॉर लोरेंजो एंड एंटोनियो। और चूज द ऑप्शन इसमें भी बता दिया, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज डे फॉर हर, ये मुझे हिटलर लग रहा है, चैट जीपीटी ने भी हिटलर बताया है, कहाँ है? ओके वेट एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था ये? X1, रुको ये देखो हिटलर बताया है ना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन्स द सेम लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पे देखो आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड है, एज हम लोग स्माइली होता है ना, एड जो लिटरेरी डिवाइस है, तो यहाँ पे भी एज का यूज़ किया गया है, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर बी होगा। और चैट जीपीटी क्या बताया है, फ्रेश एस रोज, देखो चैट जीपीटी भी सेम वही चीज़ बताया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज बाई एंजेलो टू डिस्क्राइब द केज्ड बर्ड, ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग, ये तो केज्ड बर्ड करता है ना, ही डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ये तो वो करता था, वो जो खुला बर्ड, ही लिप्स टू बैक ऑफ द विंड, ये भी खुला बर्ड करता था, ही थिंक्स ऑफ अनदर ब्रिज, तो ये सब तो वो ओपन बर्ड का कहानी है, तो मुझे लग रहा है इसमें ए होगा ही, और चैट जीपीटी गलत दिया है। कुछ क्वेश्चन तुम लोग का कुछ नहीं है। और व्हेन डिड द एंजल अपियर टू, कब दिखा एंजल को? ऑन अ मूनलेस नाइट, ये तो नहीं पता मुझे, पर उससे बस 2 दिन दिखा था ना, पहला दिन वो लेके आया था कि कौन कौन लव करता है गॉड को, दूसरे दिन आया कि कौन कौन गॉड का लव से ब्लेस्ड था, तो 2 ही दिन आया सक्सेशन में, तो आई थिंक सी होगा इसका आंसर, चैट जीपीटी गलत बताया है। और ये देखो गलत बताया ना, 3 नाइट्स, 3 बार कब आ गया। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड 2 ब्राउनिंग पोएम, तो यहाँ पे देखो ये पहला ईयर का दिया हुआ है, 1 साल पहले का, और ये प्रेजेंट टाइम का दिया हुआ है। अरे माउस नहीं है भाई, अभी माउस नहीं लगाए हैं, टच पैड से लिखना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे देखो पहले उसके हाउस पे क्राउड एंड क्राइस था, और अभी हाउस टॉप पे कुछ कोई भी नहीं है, तो कंट्रास्ट देखो, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे तुम लोग अगर वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करते होगे, उस कंट्रास्ट का सिंबल भी देखा होगा, एक तरफ व्हाइट आता है एक तरफ ब्लैक रहता है, कंट्रास्ट का मतलब सीधा उसके ऑपोजिट उल्टा, तो इसमें क्या रिलेशन है इस दोनों स्टेटमेंट के, तो कंट्रास्ट होगा, सेम तो नहीं है भाई, क्योंकि उसमें क्राउड था अभी कुछ नहीं है, सेम तो नहीं हो सकता, और इसमें से ट्रू तो दोनों ही है, तो इसको हटा ही दो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है। और द 8 अदर एथलीट स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक मीन्स डैट दे, रुक चुके गया था वो चारों, एक को देख के, एक का जो कुछ पैर में फ्रैक्चर हो गया था, क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स कि क्या मतलब है उसका, स्टूड पॉइजन पॉइज टू रन, मैंने तो किया था स्लो डाउन, ये नहीं किया था, टर्न्ड स्लोली अराउंड, ये किया था मैंने, तुम लोग क्या किए थे बताओ, इसका तो नहीं पता। XB1 ये बता रहा है कि हेल्टेड क्वाइट, हेल्टेड का मतलब क्या होता है, हेल्टेड का मतलब होता है रुकना, रोकना, किसको रोका, चुपचाप तो नहीं हुआ था वो लोग, टर्न अराउंड किया और उसको बचाने के लिए गया। और इसके बाद है बता रहे, ठीक है, ये इतना हम लोग को एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तुम लोग कुछ कमेंट किए हो क्या? नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं है, कोई सवाल नहीं, अभी जाते हैं इस पे। ओके वेयर डज द सीन टेक प्लेस, ओके दिस सीन कहाँ गया,
वेन पोर्चिया सेज इफ यू डू लव, इफ यू डू लव मी फाइंड मी सी मीन्स डेट इफ पसंद यू। ओके यहाँ पे आंसर है द सीन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय। अरे यार ये चैट जीपीटी क्या मान लिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब ये है कि सीन कहाँ पे है। इसका आंसर होगा क्या होगा रे, ये होगा क्या था सीन टेक प्लेस, कल ही तो पढ़ा था ये पड़ोसिया के एक रूम में है, पड़ोसिया के घर के एक रूम में है जहाँ पे कास्केट रखा हुआ था। इसी को इंग्लिश में लिख देना है ठीक है। पहले बेलमाउंट भी लिखना है, बेलमाउंट के अंदर पड़ोसिया का हाउस है, उसके अंदर एक रूम है जिस रूम के अंदर कास्केट है उसी रूम में। व्हाट डज पड़ोसिया मीन व्हेन शी से इफ़ डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। इसका मतलब यहाँ पे है इफ़ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, सी मीन्स डेट इफ बसानियो ट्रूली लव्स हर ही शुड बी एबल टू चूज द करेक्ट कास्केट एंड देयर बाय फाइंड हर एज द करेक्ट कास्केट लीड्स टू हर, इट्स अ टेस्ट ऑफ बसानियोस लव्स एंड इंट्यूशन। यही लिखा था मैंने भी सिमिलर। उसके बाद ये देखो इसके तुम लोग ये इस पे मत जाना, ये 1 2 लिखा हुआ है ना ये गलत हो गया, इसका जो स्कैन किया वही ये कर दिया, पर क्वेश्चन से मतलब है ना क्वेश्चन आंसर तुम लोग इसको मत देखना, ये गलत हो सकता है। हो सकता है 2 का आंसर दे रहा और यहाँ 1 लिखा हुआ हो ठीक है। व्हाट टू वर्ड वुड यू यूज टू डिस्क्राइब पोर्सियाज फीलिंग एट दिस पॉइंट। टू वर्ड क्या दिया, एंजियस और होपफुल। पोर्सियाज फीलिंग वेरी एंजियस अबाउट बसानियो चॉइस बट होपफुल डैट ही विल मेक द राइट वन, रिफ्लेक्टिंग हर डिजायर फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम। उसके बाद क्या है, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, वो दे दिया इसमें। एक्सप्लेन पोर्सियाज ए फ्रेंड्स टू स्वर्म लाइक एंड, ये यहाँ पे दिया है पढ़ लो ठीक है। व्हाट डज सी गिव हिम, ये वाला है गिफ्ट अस, सी गिव्स हिम अ रिंग। व्हाट डज दिस गिफ्ट सिम्बोलाइज, दिस सिम्बोलाइज बॉन्ड एंड कमिटमेंट, टोकन ऑफ लव सिग्नाइज देयर फ्यूचर यूनियन। ये शॉर्ट में लिख दिया, हम लोग को थोड़ा बड़ा लिखना है। द सेम थीम ऑफ द सॉन्ग संग इन बैकग्राउंड व्हेन मेक्स दिस चॉइस रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ चूजिंग ट्रू लव, द थीम इज रिफ्लेक्टेड इन पर्सनियस चॉइस ऑफ करेक्ट कास्केट। मैंने अलग लिखा था, ये देखो इसका आंसर था, ये पूरा का आंसर ये था इतना तक। बसानियो बसानियो फाइंड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया इन द करेक्ट इन द कास्केट ही चूजेस, यहाँ पे है ना व्हाट डस ही फाइंड, उसका आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले कुछ क्वेश्चन तुम लोग का। 16 का डी होगा आंसर। ओके 16 का डी होगा, कहाँ पे है 16, वेर इज 16, हाल्टेड क्वाइट। अच्छा चैट जीपीटी भी यही बता रहा था ठीक है ब्रो, 16 कर देते हैं, पता नहीं अब टी एस सुधीर जो बताएंगे लगता है वही होगा ना। ये सुधीर सर जो बताएंगे वही होगा। मैंने कल देखा था, मेरा जैसे स्ट्रीम ऐड हुआ ना मैंने मोबाइल पे खोला, लिखा था 8 मिनट एगो, मेरे से जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तब वो वीडियो भी डाल दिए बट सिर्फ MCQ का डाले थे। तो ओके यहाँ से हम लोग करते हैं, और कुछ कमेंट है क्या, रिट्रैक्ट क्यों कर लिया, अरे लिख दो कमेंट पढ़ लेंगे। ओके रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, इतना एक्सट्रैक्ट है। और हु इज़ ऑन द ट्रायल, ट्रायल पे है हमारे एंटोनियो, और वाई दिस पर्सन इज ऑन ट्रायल, यहाँ पे पढ़ लो अपने से। और एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड बसानियोज रिक्वेस्ट टू पोर्सिया, व्हाट रीजन डज ही गिव फॉर हिज रिक्वेस्ट। देखो ये देखो इतना, हाउ डज पोर्सिया रेस्पॉन्ड टू बसानियोज रिक्वेस्ट, ये वाला है दूसरा, वो वाला फर्स्ट का था, ये वाला दूसरा का आंसर है, इतना होगा ठीक है। व्हाट टू रीजन भी यहीं पे है ये दोनों। उसके बाद है बसानियो रेफर टू एस क्रूएल डेविल, किसको रेफर करता है, तो ये साइलोक को करता है, इसका आंसर इतना है ये तीनों का। हाउ डज क्रूएल डेविल पनिश एट एंड ऑफ द ट्रायल, हाउ फेयर इज योर ओपिनियन, जस्टिफाई योर रेस्पॉन्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है देख लो ठीक है। ये कोई साइड नहीं लिया, ये बता रहा है वैसे कैसे आंसर देना है। उसका सेक्शन के सी का मैंने इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट सेक्शन सी यहाँ से। व्हाट आर द टास्क ऑफ सीबिया, दैट ये देखो इतना है। हाउ हैड डिलेड ऑन हर वे होम दैट डे, डूइंग सम ही हर्ड गुजर वुमेन क्राई फॉर हेल्प, बिकॉज ही हर्ड अ क्राई एंड, इतना होगा इसका ठीक है। व्हाट वेयर द डेंजर्स डेट क्रोकोडाइल, डेंजर वर्ड खोजो, यहाँ यहाँ पे डेंजर वर्ड ये होगा उसका आंसर। अरे ये इतना बस इतना। और हाउ डज सीबिया नॉलेज ऑफ द वेज ऑफ जंगल, ये वाला है कैसे रे,
जंगल हेल्प अस फाइंड फाइट स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजिकली यूजिंग अ स्टिक टू ओपन अ क्रोकोडाइल जॉस। अच्छा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द मदर्स वुड, ये यहाँ पे हम तो अटेम्प्ट किए नहीं थे, सिर्फ हम नहीं बता रहे, तुम लोग पढ़ लो अपने से। क्वेश्चन 5, द प्रोवाइडेड टेस्ट। अच्छा यहाँ से है, यहाँ से है। क्या है क्वेश्चन? हाउ डज ओवेंस मीन बाय ऑल दिस, रेफरिंग टू द चैलेंजेस एंड प्रेशर एसोसिएटेड इन कम्पीटिंग इन द ओलंपिक्स। उसके बाद है हाउ व्हाट मेड इट कॉन्फिडेंट, ओवेंस कॉन्फिडेंट, ये यहाँ पे है। उसके बाद है व्हाट वाज द सरप्राइज, सरप्राइज हिटलर जो रखा था वो था जेसी ओवेंस। ठीक है, डिस्क्राइब ओवेंस परफॉर्मेंस। देखो, परफॉर्म्ड एक्सप्रेस एक्सेप्शनली वेल सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओवेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था ट्रायल में, सही में, तुम लोग बताना चैट में। ट्रायल में नहीं किया था, आई थिंक उसमें किया था ये, उसमें जब इसका मेन मैच हुआ था। ट्रायल में तो ये ठीक से नहीं किया था, बाद में फिर उससे बात किया लज लॉन्ग से, तब उसका ठीक हुआ। क्या है फिर? व्हाट मेक्स लज लॉन्ग बिहेवियर एट द गेम ट्रूली रिमार्केबल, लज लॉन्ग बिहेवियर पार्टिकुलरली हिज स्पोर्ट्समैनशिप सपोर्ट फॉर ओवेंस वाज रिमार्केबल इन कंटेंट। अरे यार कुछ और लिख दिया मैंने। आइडेंटिफाई अ थीम, मैंने इस थीम में लिखा स्पोर्ट्समैनशिप। अब ये चैट जीपीटी कुछ बोले हमको, उससे कुछ मतलब नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप ही होगा। ठीक है, सेक्शन डी, सेक्शन डी में है क्वेश्चन 6। क्या है? द पोएम बिगिंस विथ अ ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग? हाँ ये इतना क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा। तो यहाँ पे क्या ब्लेसिंग है देख लो, मे स्ट्राइव इंक्रीज। अरे यार इतना छोटा, पता था बहुत छोटा आंसर होगा, आ ही नहीं रहा था उस समय, तो मे स्ट्राइव इंक्रीज होगा इसका। एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस यहाँ पे दे दिया है, और इन योर वर्ड्स ये तीनों का आंसर दो। तो इन माई वर्ड्स मतलब चैट जीपीटी का वर्ड में ये तीनों का आंसर आ गया है। कुछ क्वेश्चन है क्या तुम लोग का? तुम्हारा ग्रामर में कितना आ रहा है कल का ग्रामर में? भाई हम मेरे तरफ से फुल है पूरा, कितना देगा वो, हम अभी मार्क्स मतलब गिनते नहीं है। ठीक है, 16 का डू, 16 का डी बता दिया। लास्ट एम सी क्यू, लास्ट एम सी क्यू वही तो बोल तो रहा है, 16 का डी होगा। ठीक है, और वाई डिड यू डिड अबाउ से टू एंज वर्ड, अरे रुक जाओ। हाँ, व्हाट वॉज द एंजल डूइंग इन अबाउ पेन एडम्स रूम, क्या कर रहा था एंजल? व्हाट डिड अबाउ आस्क द एंजल, अबाउ क्या पूछा है एंजल से, यहाँ पे दिया गया है, यही है ना, ये नहीं है। हाँ, राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, ये आस्क किया, इफ हिज नेम वॉज अमंग द वन दोज हू लव द गॉड। ठीक है, उसके बाद है हाँ ये वाला, व्हाट डिड अबाउ से टू एंजल राइट मी एज वन, व्हाई डिड, क्यों बोला? अच्छा तो ये इसलिए बोला ऐसे ऐसे, अबाउ एक्सप्रेस हिज डिजायर टू काउंटेड अमंग दोज हू लव फेलो मैन एम्फेसाइजिंग हिज कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। अच्छा, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन एंड लो नेम लेट द रेस्ट, आई थिंक ये बोल रहा है कि हेडिंग में था, सबसे ऊपर था उसका नाम। सजेस्टेड बाय एडम ने वाज एट द फोर फ्रंट, ओके। इफ आई वेयर टू गिव अ पोएम डिफरेंट टाइटल आई माइट कॉल द ब्लेस्ड नेम, वाह चैट जीपीटी का देखो टाइटल कैसे देता है। बिकॉज द फोकस, तुम लोग क्या टाइटल दिए थे बताना चैट में? रिकॉग्निशन एंड हॉनर गिवन टू द नेम, अलर पलर, हटाओ इसको। ओके, क्वेश्चन 7, व्हाट कैन यू कंक्लूड ऑफ द पैट्रियट्स मोड, ये मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कहाँ गया? रिग्रेटफुल एंड सोरोफुल, ये वर्ड तो यूज नहीं किया, पर इसको थोड़ा मीनिंग देखे थोड़ा डीप में लिखा। ठीक है, कोट द लाइन, कोट द लाइन नॉट मैन, यस यही वाला कोट किया था भाई, मार्क्स मिल गए अपन को। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट डेट अ ईयर हैज गोन बाय, हाउ हैड द स्पीकर बीन ट्रीटेड अ ईयर अगो, एक साल पहले उसके लिए भूल भूल बरस आ रहा था, उससे कोई पूछता कि ये मच्छर क्यों आ रहा है भाई दिन में, उससे कोई भी अगर उसके फॉलोअर्स है वो पूछता है कि मुझे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे दो, तो वो भी दे देते हैं और साथ में बोलते हैं और क्या चाहिए, यही था। क्या है? डिस्पाइट एफर्ट इज नाउ अलोन, कौन सा आंसर है? सिचुएशन हैड चेंज, डिस्पाइट हिज पास्ट एफर्ट ही इज नाउ अलोन, ओके। हाउ डिड द सिचुएशन चेंज अ ईयर लेटर,
यहाँ पे है, ये वाला, ये वाला विटनेस द स्पीकर पब्लिक पनिशमेंट एंड फॉर एग्जीक्यूशन। अरे एग्जीक्यूशन वर्ड आता ही नहीं है एग्जाम के टाइम। वाई वी आर ओनली अ प्लेस्ड फ्यू ऑन लुकर्स। अच्छा ये आंसर है, तब उसका क्या आंसर है बे? हाउ डिड द सिचुएशन चेंज अ ईयर लेटर? तब 3 का 3 आंसर और 2 का व्हाट? अबे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गाइस रुक जाओ। कंक्लूड कंक्लूड तो ये कर दिया ठीक है। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या है? ट्रीटेड 1 ईयर अगो। भाई ये 3 का आंसर देती है, 3 का दिया है ना? नहीं 1 का दूसरा पार्ट है ये। ओके हाउ वाज सिचुएशन चेंज अ ईयर लेटर? 1 ईयर अगो, ये 2 का आंसर है, ये वाला 2 का है। और हाउ डिड द सिचुएशन चेंज अ ईयर लेटर, उसी में दे दिया लगता है आंसर। तुम लोग को खोजना पड़ेगा, ये मिला दिया चैट जीपीटी क्योंकि इनपुट ही ठीक से नहीं गया इसको। ओके मतलब यही पूरा आंसर है, तुम लोग खोज लेना इसी के अंदर से, मिला दिया ये पूरा। वही इनपुट डालने में प्रॉब्लम आता है, उतना कौन टाइप करेगा? मैंने जैसे स्कैन किया उसको, जैसे तुम लोग पीडीएफ देख रहे हो ना, गूगल लेंस से जितना भी टेक्स्ट कॉपी हो सकता था कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दिया, उसकी मर्जी भाई इनपुट जैसे ले वो। ट्रू डिवोशन, यस। श्री सर का अभी तक वीडियो नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा, तो वेट करो। ओके अब तुम लोग बताओ हिस्ट्री का क्या तैयारी है, और चैट वाला विंडो ला दे क्या? हिस्ट्री में तो मज़ा आएगा भाई, एक चैप्टर तो कन्फर्म है। कौन सा है? ये वाला। हाँ एक चैप्टर कन्फर्म है जो कि है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो आता ही है ना, या फिर क्या क्या पता ये लोग वही हटा दें, प्रीबोर्ड में हटा दिया था ये लोग। ओके ओके सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा वो हिस्ट्री पढ़ो, अभी तो 2 दिन है तुम लोग के पास, कल और परसों है ना, साथ में आज का भी दिन है। वैसे तुम लोग 11 बजे, पता नहीं कितना बजे सो के उठते हो, पर 11 बजे तो एग्जाम ही है, 1 बजे कौन उठता होगा सो के? तब भी तुम लोग एक दिन मिला ना, जाओ पढ़ो हिस्ट्री पढ़ो 3 दिन, ठीक है? बहुत हो जाएगा, 2 दिन का, एक हिस्ट्री का। कल केमिस्ट्री है, कैसे भाई 9 में पढ़ते हो क्या? हम लोग का तो बोर्ड का परसों, नहीं परसों के बाद है, यस्टर टुमारोज टुमारोज टुमारो क्या बोले उसको। ओके ठीक है, जिसका भी केमिस्ट्री है पढ़ो केमिस्ट्री अब। और हाँ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग लिंक दे रहे हैं, 1 सेकेंड, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है? क्लास 9 के हो, अच्छा तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, पीरियोडिक टेबल होगा ना तुम्हारे में, पीरियोडिक टेबल पढ़ो, वो सबसे आसान चैप्टर है। अच्छा तुम हमारे स्कूल के हो, रंजना मैम को जानते हो तुम? क्या पढ़े बताइए, रुको हमको सिलेबस देखने दो। क्लास क्लास 9 SSC ICSE। वैसे तो हम फेल थे पर 10 में किसी में फेल नहीं है, तो आई थिंक आई कैन गिव द एडवाइस। क्या देख रहा है तुम, दिखाएं अभी कैमरा में, दिखाएं तुमको? डेट वॉज माई कजन, ही वॉज लुकिंग फ्रॉम द बिहाइंड द डोर। ए व्हाट ही इज डूइंग? ओके 1 सेकेंड, सिलेबस ना, क्या पढ़े बताइए, मेन बताओ। हाँ हाँ मेन ही बताएंगे, अभी दिख रहा है ये स्क्रीन, दिख रहा होगा। ओके तुम्हारा पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन, तुम्हारा सिलेबस में क्या है बताओ, सिलेबस में क्या है? पूरा पूरा बुक आ रहा है क्या? मेन टाइटल ट्रू डिवोशन, ट्रू डिवोशन लिखा है, बहुत बढ़िया, ट्रू डिवोशन 1 नंबर। अच्छा बच गया, हमको अभी डर लग गया कि मैंने तो टाइटल लिखा ही नहीं, मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। चलो बढ़िया है,
डरा दिया भाई। ओके देखो इसमें से तुम ये कर लेना, कहाँ गया, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कर लेना, ये आएगा, बहुत आसान है। सीएफसी सब के बारे में पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ लेना, ये डलाल का बुक देख के भाई, बुक तो अच्छा है पर उसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, कैसे पढ़ोगे बुक को। कोई यूट्यूब पे वीडियो चला लेना तरुण सर का, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़ लेना, गैस लॉस भी पढ़ लेना। बस उसमें कुछ फार्मूला होता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम से तुम ये निकाल लो, इससे एक दो को करना सॉल्व न्यूमेरिकल, और इसको छोड़ दो। प्रेडिक्टेबल कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग करना, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने देख लो, बहुत मार्क्स वो दे देगा तुम्हें। और केमिकल चेंज ये अगर तुमको नहीं आता है तो छोड़ दो, वो बैलेंस करना, पर अलग सर का एक दो वीडियो देख लो बैलेंस करने का, कुछ तो आ जाएगा ना तुम्हारा, एक दो मार्क्स तो बना ही देगा। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, सिंबल, वैलेंसी क्या होता है, ये सब देख लेना, ठीक है। नहीं समझ आया तो रिवाइंड करो और देख लो भाई। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल, चैनल का लिंक दिया ही नहीं, क्या हम एंड कर रहे हैं। वेट गाइस, चैनल का प्रमोशन कराना है हमको, रुकना, अपना मेन चैनल का, किसी और का नहीं। ओके ओके, तरुण सर प्रीमियर कर रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अब तो एग्जाम शुरू हो गया। ये लो, ये है चैनल का लिंक, कौन कौन चैप्टर है अभी हम बता दिए कुछ देर पहले, दो पास तीन, होने चार डेवलपमेंट अरे करके लाए जाए। हाँ, दो दो 3 मिनट पहले, बैक करो वीडियो को, दिख जाएगा तुम्हें तो, और इंस्टाग्राम भी। नहीं, खोलना नहीं है। ओके तुम लोग को ये विंडो भी दिख रहा है, वाह, अरे एक बार। ओके दोनों जगह तुम लोग फॉलो कर लो, और मैं एंड करता हूँ स्ट्रीम को, मिलेंगे बाद में, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आधा घंटा हो गया ना। चलो बेस्ट ऑफ लक।